हमें अभी घर दिहाड़ी पूरी करेंगे ना वो माय टर्न मैं बोलूं। अभी हमारा इरादा है अपनी बैटरियां चार्ज करने का और इसके लिए हम जा रहे हैं टंडोलयार। टंडोलयार में कहाँ जा रहे हैं? बस टंडोलयार जा रहे हैं। टंडोलयार के रोड मैपेंगे और नाश्ता करेंगे वहाँ पर। टंडोलयार में क्या है नाश्ते में अच्छा? देखते हैं वहाँ जाके। क्या है नाश्ते में अच्छा टंडोलयार में? केक रस। केक रस? केक रस केक भी है। इतना घुमा फिरा के भी केक रस। कराची के बंदे, लालू खेत के बंदे टंडोलयार के केक रस बता रहे हैं कि वो मशहूर नहीं, अच्छे हैं। ये जस्ट फॉर किडिंग होगा क्योंकि हमें नहीं पता टंडोलयार के अंदर क्या नाश्ते में अच्छा मिलता है। लेट्स सी क्या हमें मिलता है वहाँ पर। वैसे भाई की हालत चेक की आपने? ये मैंने अभी देखा है, अपना क्लिप देख रहा था तो मैंने कहा वाह वाह, लेने से पहले चेक करेंगे ऐसे कोई खूबसूरत खूबसूरत मेहनत मेहनत लड़के ये देंगे। इसको कहते हैं फुल मेहनत। ये वही बकरे थे हैं जो उनको जाते में पहले और ये मेहनत बहुत कम होती है हमारी। देगा काजी क्या हो गया थे? कभी कभी होना जरूरी है। मैं आपको इनकी एक बात बताऊं, ये अपना जानवर लेने कभी मंडी नहीं गए। 25 ये सिर्फ आपके व्लॉग की वजह से मंडी आए। हम ओनली फॉर यू। इतनी आला हजरत शख्सियत है। बिलाल भाई के साथ जर्नी, बिलाल भाई के मामू और बेहतरीन मजे का सफर तो कैसे छोड़ सकते थे। लेकिन इस सफर में गर्मी वो अव्वल, सबसे बेहतरीन गर्मी है। हम उसको 10/10 देंगे नंबर। और वो भी सुबह सुबह की। और हम मंडी क्यों नहीं आते? क्योंकि हमारा घर मंडी बन जाता है। अभी थोड़े से दिन गुजर जाएं, फिर आपको अपने घर का भी थोड़ा मंजर दिखाएंगे। बिलाल के घर में भी माशाल्लाह से जानवर काफी सारे आ गए हैं और मेरे घर के जानवर अभी आना शुरू होंगे। नाश्ते का सीन ऑन होने वाला है और यहाँ पे डीलिंग चल रही है और हमारी दुआ है कि ये डीलिंग अभी हो जाए, हम नाश्ता करके वापस यहाँ पे आए और अपना तेल निकालें। ये गवारा नहीं होगा या अल्लाह, ये बकरों के मामलात यही नहीं मटवा दे, यही नहीं मटवा दे। कितने बकरे लेना? 20 12-13 बकरे लेने हैं ना। ये डीलिंग चल रही है अभी और मुमकिन है ये डीलिंग हमारी हो जाए यहाँ पर। आमीन आमीन। भैया अपडेट ये है कि बकरे हमारे हो गए। इतना घूमे फिरे, पसीना बहाया, एसी में आगे बैठे और यहाँ पर माशाल्लाह से हमारी डीलिंग हो गई है कंप्लीट, अल्हम्दुलिल्लाह। और हाँ, अब दोबारा मंडी नहीं आना। मंडी का ब्लॉग हो गया पूरा। महज बकरे लेने थे, इसने फेंकी थी खामा खागी के क्या बोलते हैं अपना बछड़े लेने। तो दोस्तों में एक बंदा एक ऐसा भी होता है जो कि बहुत फेंकता है और मेरे पास वो एक ही है। और मसला ये है कि बस ये एक ही है और है नहीं मेरे पास चॉइस। अनदर अपडेट, हमारा सौदा जो हुआ था वो दोबारा कैंसिल हो गया है क्योंकि बकरों के अंदर घपला हो रहा था। एक बकरा जो था वो बहुत ज़्यादा हल्का था उसकी कीमत के एतबार से, तो सौदा कैंसिल हो गया है। नाश्ते के बाद निकाल यार भाई, भूख लग रही है, नाश्ता करके आ जाए। नाश्ते के बाद नाश्ता करके आ रहे, फिर इकट्ठा लेगा एक आ रहा है। नाश्ते के बाद नंबर दे दे, अपना नंबर दे दे, आज नंबर ले ले भाई का। नाश्ते के बाद ढूंढ के भी दोबारा आएंगे, नाश्ता करके आ रहे, देखो फोन कर। नाश्ते की जगह अभी डिसाइड नहीं हुई है, अभी तक सरप्राइज है। अभी देखते हैं कहां पर जाके हम रुकेंगे। भैया नाश्ता होगा सो होगा, लेकिन थादल उससे पहले जरूर होगा क्योंकि टंडोलयार का थादल मशहूर जमाना है। पिछले दिनों में बहुत याद कर रहा था इसको और आज जो है टंडोलयार का थादल पीने का मौका मिल गया है। ये व्लॉग मेरे लिए इसलिए इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि इसमें दो बार मैं टंडो आदम और दो बार टंडोलयार गया है ना, इंटरेस्टिंग चीज। सफर अभी बाकी है मेरे दोस्त क्योंकि अभी बकरे खरीदने हैं, मगर इससे पहले थादल। मैंने तकरीबन कोई 6-7 साल पहले इसको पिया था और मैं पिछले दिनों बहुत याद कर रहा था। अभी रास्ते के अंदर हमारा ये थादल आ गया है। हमारा नाश्ता पता नहीं टंडोलयार में हो या उसके हाईवे पर हो, लेट्स सी। स्टिल सरप्राइज्ड। गिर रहा अंदर यार, लीक हो रहा है भाई। लीक गिलास दे दिया भाई। ये रुमाल आपका करामत है? नहीं
लेकिन हमारे लिए करामत है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल आपके लिए ही होगा करामत। कैसा है भाई? जबरदस्त चीज। पहली दफा पी रहे आप? ये भाई पहली दफा पी रहे हैं। क्या राय है इसके बारे में आपकी? बेहतरीन है, बेहतरीन, लाजवाब। और क्या बोला? अंदर ठंडक महसूस हो रही है आपको? अंदर अभी तक तो नहीं है, अभी तक नहीं। अरे भाई ये नहीं, अंदर ठंडक होनी चाहिए। एक एक बोल ले ले भाई। वन मोर? नहीं भाई, वन मोर, वन मोर। दो गिलास तो बनते हैं यार, पता नहीं नेक्स्ट टाइम कब आना यहाँ पर। बड़ी मुश्किल से एक खाने की जगह मिली है। ये टंडो जाम का शायद हाईवे और टंडोले यार बिल्कुल सामने है मेरे। और ये है होटल, पलारी होटल। लेट्स सी के इनका खाना कैसा होगा। ये नाश्ता प्लस खाना है। और रात को जो है वो दो घंटे की नींद भी मुश्किल से नहीं हुई होगी, लेकिन स्टिल अलाइव। खाना खा के प्लस नाश्ता, खाना प्लस नाश्ता, इट इज़ कॉल्ड ब्रंच। ये ब्रंच टाइम हो गया है। हाँ ब्रंच है, तो उम्मीद है ब्रंच हमारा अच्छा होगा। इनका किचन चेक करते हैं। खाने में भैया क्या क्या होगा? खाने में क्या क्या होगा? खाने में मुर्गी कढ़ाई है, मुर्गी सालन है, दाल, थोड़ा सा लाउड बोलो प्लीज। मुर्गी कढ़ाई है, मुर्गी सालन है, दाल माश है, दाल चना है, सब्जी में झींगे हैं और छोले हैं, दाल चने की है। यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, खासियत क्या है यहाँ के खाने की? जो आप खाओगे हर चीज खास है। हुक्म तो करो भैया। फुल देसी माहौल में फुल मिट्टी के चूल्हे वगैरह यहाँ पे रखे हुए इनके। ये खाना बनाने का इनका चूल्हा है और ये कुछ खाने पके हुए रखे हुए हैं। मामू बुला रहे हैं। और यहाँ बनती है चाय। बोलो भाई, आधा किलो चाय होगी खाने के बाद। ये हमारी पूरी टीम है कराची की। ये बिलाल के मामू हैं और ये भी बिलाल के मामू हैं, सबसे छोटे मामू। भाई टैलेंट चेक करें बस आप। नीचे से पूरा का पूरा ट्रक पुरिसरार हालत में है। यहाँ पे हम अपनी सेटिंग कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से खाने के बाद हमें दोबारा मंडी में जाके धूप से चमाटे खाने पड़ेंगे। इसलिए हम थोड़ी सेटलमेंट कर रहे हैं कि भैया गाड़ी में रहकर एसी चला के अपनी थोड़े मामलात पे गुफ्तगू खास हो जाए, क्योंकि बिलाल ने तो जानवर ले लिया है, इसके मामाओं को लेना है, इसके एक्सपीरियंस की उनको ज़रूरत नहीं है। इसको वैसे ही तफरी के लिए ले आए थे और ये मुझे वैसे तफरी के लिए ले आया। तो हमें मंडी का व्लॉग बनाना था, हमें मंडी का व्लॉग बनाना था। कट नहीं, मवेशी मंडी से लाया हूँ। तो सेटलमेंट हमने किए कि हम गाड़ी में बैठकर एसी में रहना चाहते हैं और अल्लाह हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। आमीन आमीन। अब ये तुमने सियासत तुमने करनी है, ये सुलेमानी टोपी देनी पड़ेगी। सुलेमानी टोपी कराओ मामुओं को और गाड़ी का काम पक्का कराओ भैया, गर्मी बहुत शदीद हो रही है। बाय द वे मेरा ये केपी अच्छा लग रहा है ना? कूल कूल। भैया खाना आ गया है और शदीद ब्रंच वाली भूख लग रही है हमें। फिलहाल भाई ब्रंच हो रहा है ना, लंच और ब्रेकफास्ट मिक्स। बेहतर है ये माश की दाल है, ये चने की दाल। हाँ दो किस्म की दालें, माश की मैंने ट्राई कर ली है, चने की ट्राई करते हैं। और हमारे रास्ते में बीच में छोले भी लिए थे हमारे एक भाई ने, मल्लू के छोले। मल्लू के छोले सही है। बड़ी क्वारी करने के बाद जो है ये हमें खाने का थापा मिला, तो जो है लॉकडाउन की वजह से बहुत परेशानी थी, वही बेस्ट है। हाँ लॉकडाउन और हफ्ता इतवार तो वैसे सिंध में बंद होता है बाजार, तो हाईवे के ऊपर ये छोटा सा खुला हुआ था।
मैं मंडी का ब्लॉग बना रहा हूँ मगर फिलहाल टंडो वाला यार जा रहा हूँ। वाह 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 वाह। चाय हमने पानी पी, चाय हमारे किसी और जगह पे मख्तस हुई थी तो वहाँ पर हम पहुँच गए। मैं गाड़ी में अपना क्लिप रिकॉर्ड कर रहा था, फिलहाल के मामू ने कहा कि भाई यूट्यूब को भी बाहर निकालो जल्दी, तो भाई का नाम यूट्यूब हो गया है आज से। कैसा नाम है फिलहाल भाई? यूट्यूब नाम अच्छा है वैसे मेरा। ये है लाहौर पीस जिसकी मैं मंडी में पूछ रहा था, यहाँ पर तो पूरी मंडी लगी हुई है। फिलहाल इसके ज़रा रेट तो टच कर। टंडोले यार में ऐसे ही घूम रहे हैं हम लोग मज़े में, तफरियाँ करते हुए। मस्जिद आ गई है, नमाज़ पढ़ेंगे और दोबारा मंडी की तरफ खुआरी होगी। तो भैया आपने तो सुकून से एसी में बैठ के ब्लॉग देखा होगा, हम यहाँ पे थोड़ा सीख रहे हैं, फिर मिलेंगे, अपना ख्याल रखिएगा। मस्जिद का वजू खाना और गर्मी की हवा और ठंडा पानी, इसका अपना ही मज़ा है। अभी इस वजू खाने के अंदर गर्मी की हवा भी बड़ी ठंडी लग रही है क्योंकि मस्जिद की अपनी एक नूरानियत होती है। सुबह आज सुबह जल्दी उठ गया था, दिन इतना बड़ा लग रहा है मुझे कि अभी ये दोपहर का वक्त ऐसा लग रहा है कि पता नहीं शाम कब होगी, क्योंकि सुबह से जाग रहा हूँ मैं फजर से और रात की नींद भी कोई ख़ास नहीं हो सकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद में आने के बाद जो है ना बैटरी फुल चार्ज हो रही है, अब जो है ना 100% बैटरी हो गई है। नाउ आई एम फीलिंग मच रिलैक्सेशन इन माई हार्ट बिकॉज अल्लाह अल्लाह है और अल्लाह की याद में दिलों का सुकून। मैंने बिलाल से पूछा कि ये कौन सा एरिया है टंडो वाला यार का, तो बोल रहा टंडो वाला यार। मैंने कहा तो एरिया का नाम पता भी है कुछ? बोला पूरा टंडो वाला यार है ये नहीं लेकर आता है मार्केट में भाई। वैसे तो मैं ब्लॉग का एंड कर चुका था लेकिन यहाँ की एक बहुत मशहूर बेकरी है एडी के नाम से, मेरा इरादा वही था कि वहीं जाके हम जो है ना अपना नाश्ता वगैरह कर लें, लेकिन लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे दुकानें बंद थी तो हमने सोचा शायद वो भी बंद हो, लेकिन इत्तेफाकन वो खुली हुई थी और अभी हमने वहाँ के समोसे और पकौड़े खाए, कमाल के थे। फिलहाल ये एडी बेकर ज़बरदस्त है, इसके मामू और के कस्टमर है एडी बेकर वाले, जान पहचान करवा देंगे नेक्स्ट टाइम आए तो। कभी आएंगे एडी वालों के पास तो अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे एक हलीम वाले भाई भी थे, उनका हलीम भी बड़ा ज़बरदस्त, अभी हमने वो भी खाया है। और हलीम वाले भाई जो है वो यहाँ आगे हैं और मेरे सामने जीजल फलाई अस्पताल है। टंडोले यार की ये सौगात आज खाई, बड़ा अच्छा लगा, यहाँ के खाने भी बड़े अच्छे हैं। तो आप ब्लॉग का करते हैं दी एंड।